नहीं तेरा भाई भी तो हार्ड है, हर गली में स्टार है, अब पूरा बवाल है, शक्ल पे स्कार है, दिल में। सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। और आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो चुका है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो एंड मैसेज कीजिए तो मैं आपको इस ऐप का लिंक डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल को यूज करता हूँ, वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो यार आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इजी तरीके से इन सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको एडिटिंग में जाना होगा और आपको इसे फिल स्क्रीन कर देना है। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। ऐसा करने से होता है कि फ्रेंड्स की आप जो भी इमेज का यूज़ करेंगे वो सारा इमेज आपके फुल स्क्रीन पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आपको अपना कुछ इमेज को इनपुट कर लेना है। तो हम कर लेते हैं। सबसे फ्रेंड्स, हमारा इमेज आ चुका है स्क्रीन पर और एडजस्ट भी हो चुका है ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इसमें क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना होगा। तो आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है साइड पर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आपको एक ग्राफिक्स डाउनलोड कर लेना है जो कि इस नेम से समर वेकेशन। अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो आपको करना क्या होगा, आपको गेट मोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ट्रेबल पर क्लिक करना होगा जो कि आ चुका है और आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आ चुका है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। और आप जब भी डाउनलोड कीजिएगा आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसे इनपुट कर लेता हूँ सभी इमेज पर। तो आपको इनपुट कर लेना कुछ इस तरीके से, आपको जो अच्छा लगता है। तो सभी इमेज पर आपको इसी ग्राफिक्स को इनपुट कर लेना है। तो गाइस, हमारे सारे इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड हो चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से हमारा एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट इनपुट करना होगा। तो आपको बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आपको एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट डाउनलोड करना है जो कि इस नेम से, सेकेट नेम से। तो ये है, तो आपको अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो आपको करना क्या होगा, आप नीचे स्लाइड कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आपको डाउनलोड कर लेना। आपको गाइस चले जाना, गाइस आपको एक्शन पर चले जाना, तो आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे आ चुका, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं कट कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपको सभी बॉक्स पर इसे इनपुट कर लेना, इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट को। तो हम इनपुट कर लेते हैं, तो आपको इनपुट कर लेना कुछ इस तरीके से, आपको इसे ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो आप ऐड कर लीजिएगा सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे बॉक्स पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट इनपुट हो चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अपने इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना कुछ इस तरीके से। आपको जितना लंबा वीडियो रखना है आप रख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं इतने तरीके से रख लेता हूँ, सभी के लेंथ को मैं बढ़ा लेता हूँ कि जितना तक। तो इतना हमारा हो चुका है गाइस, अभी आपको भी इसी तरीके से कर लेना होगा। तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इतना हमारा हो चुका है, 15 सेकंड तक हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा गाइस, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ और इसे भी थोड़ा हल्का छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा हो गया तो हल्का इसे छोटा कर लेता हूँ। तो इतना हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको करना क्या होगा, आपको इसमें गाइस एक वीडियो इफेक्ट इनपुट करना होगा। लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको इसे इनपुट कर लेना है। तो आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा इस वीडियो का। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे। इसे फुल स्क्रीन में आपको एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा, नीचे स्लाइड कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद आपको इसे कर देना स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है और हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बनके तैयार हो चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इतना हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। फिर तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, आपको इसमें अपना लिरिक्स वीडियो सॉन्ग ऐड करना होगा। लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको उस वीडियो को इनपुट कर लेना है। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा, नीचे स्लाइड कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद इसे कर देना आपको स्क्रीन। तो स्क्रीन कर देते हैं, हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो हमारा इतना बनके कंप्लीट हो चुका है। तो मैं 15 सेकंड तक अपने वीडियो को रख लेता हूँ और पीछे का जो फालतू पार्ट से मैं कट कर लेता हूँ। तो इतना तक कर लेते हैं, इसके फालतू पार्ट को मैं कट कर लेता हूँ। तो हमारा 15 सेकंड तक वीडियो बनके तैयार हो चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना गाइस, तो इतना हमारा हो चुका है।
तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको एक फ्रेम पीएनजी इनपुट कर लेना है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा। स्क्रीन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा और इसके लेंथ को वीडियो के एंड तक रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। तो मैं अभी इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो गाइस आपने देख स्टेटस किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस आप जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।